ना खास्ता, अगर इनको वहाँ पे ज़्यादा अकेलापन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई फिज़िकल पेन या कोई इनको कोई मतलब इस तरह से तो कोई चीज़ ना हो कि उनको भाई कहीं एकदम से पेन शुरू हो गया, वहाँ पे भी कोई नहीं है तो मेडिसिन के लिए चाहिए, तो वो आप बताएं। अच्छा, जो बेसिकली जो हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जो हम मेंटली गो थ्रू कर रहे होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इसके कभी कभी और हमारे फिज़िकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम सोमैटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, हर किसी के साथ नहीं होता लेकिन अमूमन होता है। अगर मैं हम लोग नोट करते हैं, जब हम स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, तो हमारे शोल्डर्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, अक्सर एंजाइटी टेंशन से IBS हो जाता है, हमें हमारा पेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, सो उसमें ये होता है कि अगर आपके ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में जो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप इमरजेंसी में जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन अगर सिंपल पैनिक अटैक आ रहा है आपको, एंजाइटी अटैक आ रहा है जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है, उसमें भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर इमोशंस। ये चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस, पेन, यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप बाहर जा सकते हैं, घर से फ्रेश ब्रीदिंग करें, उससे भी आप काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। फैमिली मेम्बर्स को कॉल करके बात कर लें, उससे भी आपकी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाती है, बिकॉज़ सिचुएशन उसी वजह से हो रही है ना, मिसिंग फैमिली एंड ऑल।